खरगोन जिले की भगवानपुरा तहसील के ग्राम बहादुरपुरा में दुर्गा विसर्जन के दौरान मधुमक्खियों के हमले ने श्रद्धालुओं को घायल कर दिया। घटना सुबह की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो श्रद्धालु मूर्ति विसर्जन के लिए खेत के जीरे पर गए और अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। घायलों में महिला, पुरुष व बच्चे भी शामिल है, जिसमें करीब 20 श्रद्धालु मधुमक्खी के हमले की चपेट में आए हैं। गंभीर घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मैं हमेशा की तरह नवरात्रि पे माता विसर्जन करने जाते हैं। इस साल भी हम लोग पूरे गांव समेत माता विसर्जन करने, मतलब गांव के पास ही माता का झीरा, जिसको बोलते हैं कुआं बोल सकते हैं, विसर्जन करने गए थे। जैसे पूरा कार्यक्रम हो गया था, कार्यक्रम में समाप्ति की ओर था, माता जी का मतलब विसर्जन करने ही वाला था। अचानक मतलब माता जी का प्रकोप समझो या कोई प्राकृतिक घटना समझो, मगर मधुमक्खियों को जितना ऐसे निकला वहाँ से, तो सब पैसे छा गया, मतलब बाउंड्री की तरह छा गया सबके ऊपर। महिलाओं को मतलब बच्चे तो कम, बच्चों का ही हुआ, महिलाओं को ज़्यादा घायल हुई है, पुरुष ज़्यादा घायल हुए हैं। सिर पे, आँखों पे, नाक पे, कान पे, जैसे बलिराम मंडलोई घायल हुआ है, उनको रेफर किया है। दिलावर मंडलोई घायल हुए हैं, दीपक मंडलोई को खरगोन रेफर किया है। रेखा भाई उन लोग खरगोन रेफर कराया है, इनकी स्थिति बहुत ख़राब है। इन लोगों का ब्लड ब्लड प्रेशर भी कम हो गया है, अनकॉन्शियस कंडीशन में दोनों, इसलिए उनको खरगोन रेफर किया गया है। 30 से 40 हाँ, ये समझ लो रेसो मिला के 30 से 40 लोगों को मधुमक्खियों ने काटा है सबको। बाकी तो लोग ठीक है, उनका तो प्राथमिक उपचार चल रहा है। बाकी 2 लोगों को यहाँ से खरगोन रेफर किया है। क्या नाम आपका? मेरा नाम डॉक्टर क्रांति आठो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।